उम्मीद है आप लोग सब घर में खैरियत से होंगे। आज हम अपने बकायदा जो है वो ऑनलाइन लेक्चर का स्टार्ट आगाज करते हैं। मेरे पास मेरिकल है अ स्टूडेंट प्रेसेस हर पाम बाय हर थंब विद अ फोर्स ऑफ 75 न्यूटन। हाउ मच वुड बी द प्रेशर अंडर हर थंब हैविंग कॉन्टैक्ट एरिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, तो इसके लोग कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट है वो क्या कर रही है, वो अपने हाथ के साथ थंब के साथ जो कह रहे हैं पिन को प्रेस कर रही है, और वो पिन को जब वो प्रेस कर रही है तो उसके अंदर वो कह रहा है कि जो उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है वो कितनी लगा रही है, 75 न्यूटन की। तो इसके अंदर जो प्रेशर जो है वो हमने बताना है इसके अंदर, जबकि उसने जो कॉन्टैक्ट एरिया है जिस एरिया के ऊपर जहाँ जिस जगह के ऊपर वो फोर्स लगा रही है वो कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो अब इसको देखते हैं कि हमने इसमें कैसे करना है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास फोर्स जो है वो गिवन है हमारे पास 75 न्यूटन, और इसके अंदर जो हमारे पास एरिया दिया हुआ है वो हमारे पास है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इसमें जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो हमने फाइंड करनी है प्रेशर। ठीक हो गया, तो अब इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला यूज होता है P इक्वल टू एफ ओवर ए। तो एफ जो है हमारे पास वो 75 एरिया सेंटीमीटर स्क्वेयर के अंदर है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, मीटर स्क्वेयर के अंदर। तो एरिया जो है हमारे पास है वो 1.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। एक सेंटीमीटर में एक मीटर के अंदर क्या होता है हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे। चूंकि ये हमारे पास स्क्वेयर है तो इसको भी अब हम क्या करेंगे, 2 टाइम जो है हम इसको डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 1.5, ये 10^2 और ये 10^2, तो ये आ जाएगी मेरे पास 10^-4। ठीक हो गया, अब हम इसको जो मीटर स्क्वेयर, अब हम इसको जो है फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे पी इक्वल टू एफ ओवर ए। एफ की वैल्यू जो है वो हमारे पास वो कितनी है, 75 न्यूटन है, और एरिया जो हमारे पास गिवन है वो हमारे पास गिवन है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10^-4 मीटर स्क्वेयर। तो 75 डिवाइड बाय 1.5 10^-4 नीचे ऊपर जाके प्लस की 4 हो जाएगी, तो ये न्यूटन, और ये नीचे से ये मीटर स्क्वेयर दिया है तो ये पर मीटर स्क्वेयर हो जाएगी। 75 को 1.5 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा वो आएगा 50 × 10^4 न्यूटन मीटर स्क्वेयर। यहाँ तक भी ठीक है, अगर मजीद हम इसको जो आगे इसको करेंगे सर्टिफिकेशन में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 × 10^5, ये एक आपका इसके अंदर ऐड हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। तो उम्मीद है कि बेटा आप लोगों को मेरे से आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी भी किसी में कोई नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।